तो इसको इसकी इसकी जो ये हिवार पोर्शन जो इसका है इसको भी हमने कंप्लीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह तो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर यानी इसकी तमरीन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन जो मैं इसको छोड़ रहा हूं ये आसान है इसको आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर टू यहाँ हम पढ़ रहे हैं आज आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं मगर आपने इसमें से एक पॉइंट एक मतलब एक, एक दफा पढ़ा है एक कॉलेज मतलब एक, एक क्लास में दूसरा पॉइंट दूसरे क्लास में तीसरा पॉइंट मतलब इन ए, इन ए, इन ए आपने पढ़ा था आज आप इसको ताला बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं यानी ज़मीर के बारे में अक्सर मालूम आज आपको होलसेल में मिलेगी ठीक है आवाज आवाज आ रही है ना हाँ चलिए सर तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए भाई जो आपको मद्देनजर रखना है वो है कि अजमीर इम्मा मुख्तुन व इम्मा मुनफसिल ये तो आपको पता है क्या जमीर या तो मुतसिल होता है या मुनफसिल होता है बिल्कुल यानी मैंने मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया कि जमीर की दो किस्में हैं एक जमीर मुतसिले हम कहते हैं जमाएर जमाएर ठीक है ना शबाश जी सर तो जमीर मुन मुनफसिल की आपने मिसाल पढ़ी है यानी माने पढ़ा है और मिसाल पढ़ी है माना यह कहा है कि भाई मुनफसल मीन जो डिटेच प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं जो डिटेच है किसी हरफ किसी फैल किसी के साथ लिखा हुआ नहीं है मिला हुआ नहीं है अलग है सबको नजर आता है वो इसने भी लिखा है मा युग्धा भी जिससे बात करने में इब्तदा भी की जा सकती है जैसे आप कहते हैं आना तोलिबन या यहां आना मुस्लिम आना मुस्लिम।, मुस्लिम इसी तरह आप कुरान की आज देखिये अबोदो सिर्फ आपको हम आपकी हम इबाद करते हैं। तो ये जमीर मुनफसल हो गई आपने सिर्फ अना पढ़ा या का भी नहीं पड़ा है तो इसके भी इसकी इसके बारे में भी भी गुप्त दूसरी इसकी डेफिनेशन देखिए वही जो इल्ला के बाद आ जाए यानी इल्ला के बाद अगर हमें जमीर इस्तेमाल करनी है तो वो ये जमीर आ सकती ये जमीर भी आ सकती है ना हो जैसे अना मुस्लिम देखिए अना इब्दा हो गई यहाँ दूसरी मिसाल देखिए मा फहीम दर्स इल्ला अंत आपके बगैर किसी ने लेसन को नहीं समझा मा फहीम दर्स इल्ला अंत अंत तो अंत आ गया इल्ला के बाद तो ये भी जमीर मुनफसिल है इसी तरह नंबर थ्री इया कर आई तो आप ही को मैंने देखा था इया सिर्फ आपको मैंने देखा यार आप ही को देखा था इया कराई तो तो यहाँ का जो है इब्तिदा में आ गया तो ये ज़मीर मुनफसिल है यानी दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे जो ज़मीर मुत्तसिल है उससे आप इब्तिदा नहीं कर सकते मिसाल आप नहीं कह सकते हु किताब हाज हाजा किताब हु जो है आप इसको नहीं कह सकते किताब हाजा नहीं आप जमीन मुतसिल से इब्तिदा नहीं कर सकते ये शबाश नंबर थ्री नंबर फोर माराई तो अल्लाह का मैंने नहीं देखा था किसी को सिर्फ आपके मैंने आप ही को देखा था मैंने सिर्फ आपको देखा, देखा। अब अंत कहा आएगा और ए आका कहां आएगा वो एक अलग डिस्कशन है उसके उसके बारे में भी इन अभी बात आएगी तो दूसरी किस्म जो जमीर की है वो है माला वो वहां था माय दिनुत् है मालायुक् जिसके 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 जरिए से इब्तार नहीं की जा सकती फिनुत्स में बात करने में बात करने में उससे जो है बात उससे शुरू नहीं की जा सकती इल्ला इल्ला और ना इल्ला के बाद आ जाएगा वी राई तो जैसे मिसाल है राई तो हू इसमें जो ये ता है और हा है ये दोनों जमीर हैं ये इल्ला के बाद नहीं आ सकती आप नहीं कह सकते रा आ तो या रा आ किस तरह नहीं कह सकते नहीं है? हाँ अभी और भी चीजें आएंगी देखिए अब हमने ऐराब के हवाले तो हमने इसकी इसके की साख्त के से हमने बताया था कि भाई एक ऐसा जमीर है जिसको अलग लिखा जाता है और जिसको अलग नहीं लिखा जाता है वो दूसरी किस्म की जमीर होती है अब जमा जो है अपनी ऐराब के हवाले से देखिए यानी दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए मदनजर रखी जमायर अल्मोन फसिल वो जमीरें जो मरफू होती हैं, लेकिन मुनफसल डिटेच अलग इसमें आप हुआ हुमा की गर्दान पढ़ते हैं हुआ हुमा तो वगैरह, इसको आपने पढ़ा है है ना यानी ये जुमले में उस जगह इस्तेमाल हो जाएंगी जो क्या जगह होगी जो रफा की जगह होगी जैसे आप मिसाल यहाँ ऊपर देखिए आप ये ये, ये ये मिसाल जो आपने पड़ी अना मुस्लिम यहाँ अना आ गया क्योंकि यह मुफ्त है मुफ्तदा मरफू होता है तो इसलिए अना इस्तेमाल हो गया अगर यहाँ नसब की जगह मनसूब जगह होती या मजरूर जगह होती तो हम इस जमीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप समझ रहे, रहे हैं ना आर यू गेटिंग मी जी सर जी सर हाँ चलिए हाँ, चलिए तो ज़मीर और रफा ये तो अलग है भाई लेकिन अब एक और जमीरी रफा की किस्म है मगर जो मुतसिल है यानी जमीरी मुतसर में से एक और किस्म है जो रफा है जो रफ़ा है मरफूज मगर वो मुतसिल होती है वो क्या है वो है भाई फेल माजी के साथ या फेल मुदायरा के साथ जो जमा लगते हैं जैसे फेल मुदारा माजी के साथ ताल अलमतरिका कमा भी जहाब तो जहाब तो माँ जहाब तो यहाँ तो 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 ना जो है तो ये सारे सारे जो है ता जो है ये फाइल है और फाइल मरफू होता है तो ये जमीर है जो है जमा और रफी अलमुतला की कैटेगरी में आती है दूसरा पॉइंट अलिफुल इसनाइन ये भी फाइल है ना जी सर हाँ तो देखिये जहाबा अगर मैं आपको कहूँ जरा इसकी अनालिस्ट कीजिए आप कहेंगे जहाबा फेल अलिफायल या फाइल है तो यह जमीर है कोई हट, ओ, कोई मतलब हटम का फाइल हरफ फायलर है तो इसलिए ये फाइल है फाइल तो या नावन होगा या प्रो नावन होगा इसी तरह जहाबताबानी ताजाबानी एजहाबा ये अलिफ अलिफ जो फेले माजी फेले मुदारा फेल अमर में है ये सब जो है ये जमायर रफ़ी अलमुत्तसिला में आते हैं आप समझ रहे हम आप समझ रहे हैं ना? जी सर हाँ इसको समझने की कोशिश करो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन इसको फिर से रिपीट करना है शबाश नंबर थ्री वाह कमा जहाबू यजहबू नदी फेल फेले अमर में ये वाव जो है इसको हम बोलते हैं वाह वाह जमा का वाव या वाहम भी बोलते हैं यानी जमा की वाव इट मीनस दे ऑल या यू ऑल मैन ठीक है तो ये भी जमाफियाल मुतासरा में आते हैं कितनी आ गई कितनी कैटेगरी आ गई तीन आ गई आ गई ना तीन, तीन. कैटेगरी तीन आ गई शबाश नंबर फोर देखो भाई या उलमुखा तबाह जैसे फेले माजी में फेले मुदारा में होता है या उलमुखा तजीना आप जा रही हैं ताकतुबीना आप लिख रही है ये या, या फेल अमर में है, ठीक सर्थ. है तो ये भी चौथी कैटेगरी पांचवी कैटेगरी नून नस्वती चाहे फेल मादी हो मुदारा हो अमर हो जहाबना या जहाबना हबना ये भी अल मुत में आती है और इसी तरह लास्ट पे छठी किस्म जो है इसमें ना कमाफी जहब ना कमाफी जहाब यानी जहाबना जो है इसमें ना जो है फाइल है तो रफी अलमुतला में आते हैं अब यहां सवाल है डॉक्टर साहब से और वसीम और एनम तीन स, तीन लोगों से सवाल है आप इसको माइक्रोफोन को ऑन कीजिए सभी लोग तो आप यह मुझे बताइए कि जहाबना और जरा बना दोनों में लास्ट पे ना है जी जहब ना। दूसरा जरा ब ना इसमें क्या फर्क है इसमें क्या फर्क है जरा ये दूसरा जरा बना जो है क्या वो भी ज़मीर यूरोपियल मुतसिल है सर। वो क्यों नो नहीं नो है वो मन, है, आ, की और भी ही की से। तो, तो मनसूब जमीर है इसलिए उसको हम इस कैटेगरी में नहीं लगा सकते यहाँ आपको याद रखना पड़ता जब हम ये पढ़ते थे ये तो मैंने उस वक्त बताया था ये ना जो है ये कभी फाइल की तौर आता है तो उस वक़्त ये जमीर ये रफा है और कभी ये बतौर मफूल भी आता है तो उस वक़्त ये जमीर मनसूब होती चलिए भाई तो ये जमीर रफा की की अलमुतसिला किस्में आ गई जमीर रफा अलमोन फसल जो है उसकी जो एक ही किस्म है वही हुआ हम हुआ की आपने हुआ 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 पढ़ा दूसरी पॉइंट जमीर रफा जमी, जमीर जमीरफ ए अलमुतसिल उसकी आपने छ किस्में पड़ी छ किस्में क्या मतलब एक ही है जो फेल के साथ लगती है अब आप इसने आपको दिखा दिया कि देखो कहाँ कहाँ लगती है और क्या क्या लगती है ठीक है तो वो आपने देखा अब हम आएंगे जमायर पर तो पहले हम पढ़ेंगे जमायर अल फसिल जैसे ऊपर पढ़ा था जमीरो अल फसल यानी जमायरफ अल फसिल वहां भी हमने पहले मुनफसिल पढ़ा फिर मुतसिल तो यहां भी हम नसब में भी पहले मुन पढ़ेंगे फिर मुतसिल पढ़ेंगे देखिए भाई जब आप पढ़ेंगे फसिल पढ़ेंगे ये दान जो है ये ज़मीर मिसाल के तौर पर आपको एक ऐसी जगह जमीर इस्तेमाल करनी है जो मनसूब है मगर आपको वहां डिटेक्ट अंदाज में इसको लिखना है आमतौर हम इसको लिखते हैं कैसे फेल के साथ मिलाकर मिसाल मैं कहता हूँ मैं क्या कहता हूं जारब तो का जारब तो का मैंने आपको मारा जारब तो का मैंने आपको मारा या आप कहते कुल तुलाका तो मैंने आपसे कह दिया कुल तुलाका तो वहां आप क्या करते हैं वहां आप का इस्तेमाल करते हैं जमीरी मुतसर जमीरी मुतसर इस्तेमाल करते हैं का की हु, हुमा हा वगैरह जो आप नीचे पढ़ रहे हैं जमाइर नसबल मुतसिला सालहू सालहुमा सालहुम सालहा सालका सालकी सालनी सालना ये जमाइर नसबल है, लेकिन ऊपर क्या है जमाइर नसब अल मुनफसिला ये डिटैचड प्रोनाउंस है जो क्या होते हैं मंसूब होती तो यहां से एक पॉइंट ये निकला कि रफी जो है वो मुनफसल भी होती है मुतसिल भी होती है दूसरा पॉइंट नसब जो है वो वो मुतसिल भी होती है और मुनफसल भी होती है तो इसकी चार अलग-अलग आ गई हुआ हुमां के बारे में और जीश्र. उसके बारे में जमायरफा जो है उसके बारे में आ, आल आप अच्छी खासी, खासी मालूम रखते हैं यहाँ एक पॉइंट रह गया जो ये है अल फसल इसके बारे में आप अभी खास मालूम नहीं रखती इसको आपने खास पूरी तरह पढ़ा नहीं है जो ये रहा जमाई इसको भी आपने भी आपने पढ़ा और इस्तेमाल किया है मैंने आपको कई जमायर किया तो इसको भी आप इस्तेमाल करना जानते हैं तो अब एक पॉइंट ऊपर आ गया वो क्या है जमा इर इसको हम इनशा डिटेल में पढ़ेंगे आज देखिये उससे पहले यार पहले ये देखिए क्या कह रहे हैं जम इसब अल मुतर यानी फकत क्या कहता है जमीर के लिए जो जमीर नस्बाती है जो जमीर नस्बाती है वो सिर्फ या है वो सिर्फ या है अमन नून अमन नून अब रही नून की बात यानी सालनी है ना ये नून जो है सालनी फ उसको लाया जाता है लिव कायती माकबला है में ताकि बचाया जाए उसको जो उस नुन से पहले है ज़ेर से बचाया जाए किसे क्योंकि क्योंकि जब आप ज़मीर या जब आप या ये मुतकलिम लगाते हैं किसी भी इसम के साथ तो उसके तो वो या ये मुतकलिम की वजह से उसको ज़ेर वाला बनना पड़ता है जैसे कि तबुन तो आप जब जमीन मुतकलिम लगाते हैं या ये बनता है कीता बी बा के नीचे जेर आती है चूंकि फेल जो है फेल माजी ये तो मबनी पर फतह होता है ना अगर हम ये नून नहीं लगाते इसमें तो ये साला साला जो है ये बनता साली साली तो उस लाम को जबर के बजाय जेर देनी पड़ती उससे बचाने के लिए हम ये नून उल विकाया हैं वह नून नून ऑफ प्रोटेक्शन नून ऑफ प्रोटेक्शन ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखिए कि यहाँ जो है जब आप जमीर मुतसिल के लिए जो जमीर नसब है यह असली यहाँ ही है बस सिर्फ यहाँ नी नहीं है नून तो यहाँ नून विकाया है इसको इसलिए लाया जाता है कि लाम के नीचे यानी लाम कलमा जुमला ये फैले माजी में लाम कलमा के नीचे जेर ना देनी पड़े ठीक है जी सर चलिए इसके बाद आ गए आ गया क्या एक <coughs> रफा भी पढ़ा जमायर भी पढ़ा अब जमायर जमायर जर है ये कोई बड़ा मसला नहीं है भाई ये बहुत ही छोटा है ला इल्ला ये बस सिर्फ मुत्तासिल होती है यानी रफा आपने दोनों पढ़ी मुतसिल नसब आपने दोनों पढ़ी मुतसिल मुनफसिल लेकिन जमाजर सिर्फ नहीं होती है सिर्फ मुतसा लहू में जमाजर के बारे में याद रखे या तो ये मुजाफन अलह होगा जैसे यहाँ किताब किताब के किताब का किताब के या ये क्या होगा हर फर के बाद आएगा तो मजरूर आएगा तो दोनों सूरत में मजरूर आएगा मिन हो, लहू, हे, वगैरह वगैरह, तो ये सारी आएंगे जमायर जर तो यहाँ आपने जमा को अपने होल सेल में देखा अब हमें हमारे जो पॉइंट सता रहा है वो यही है कि भाई ये या का हो, इसके बारे में तो हमने कोई खास कायदा नहीं पढ़ा है अब इसके बारे में क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिये कायदा क्या है इसको कब इस्तेमाल करेंगे जमीर नाया जाता है कब नंबर वन ईजा का मुतसिल भी हो मगर वह तकदमा अला फेल ही अपने फैल पर मुकदम हो अपने फैल से पहले लिखा गया हो जैसे कुरानी पाक में है ईया का ना अबोधो ईया का नाबुदो कि इज इज असलुहू इसकी असल क्या है नाबुदो का हम आपकी इबादत करते हैं नाबुदो का हम आपकी इबादत करते हैं तो ये है। का जो था नाबुद में फेल प्लस फाइल का मफूल उन भी ये का मफूल भी था लेकिन जब इस का को क्या तकदमा फेरी जब इसको पहले लाते हैं तो ये का बन जाता है ईया का आप क्या बनेगा हाँ अब तो हम इस, इसको नून के साथ मिलाकर नहीं लिखेंगे अब तो हम अलग लिखेंगे इसको तो पहला पहली शर्त जब मफ, जब, जब जमीर जो है ये मफऊल बिही भी हो मगर अपने फेल पर जाए हाँ अपने फेल पर मुकदम आ जाए यानी इसके बाद फिर आए मिसा मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ मैंने आपको बाजार मैंने आपको देखा बाजार में तो मैं आपको कहता हूँ राई तू का फिसू की राई तू का फिसू की तो आप मुझे कहते हैं बना तो है, तो ना का का मैंने देखा था तो अब मैंने राय का जो था उसका को मैंने पहले लाया सिट्रस देने के लिए नहीं मैंने आप को देखा था आप समझ रहे हैं ना माने पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ ज्यादा अलबत्त मैं ये कह रहा हूं जब मुझे इस, इसको, इसको मतलब इसको, पहले लाना पड़ा फेल से पहले तो मैंने इसको का को बना दिया ईया का इसमें कुरान की जो पहली सूरत है उसकी दो मिसाल है ईया का ना वो ईया का असल अगर असल सेंटेंस देखेंगे तो वहां पे है ना अब हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं लेकिन जब का पहले आ गया तो बन गया इधो का यहाँ तो आप जमीर नांगे नंबर टू इजावा का मफूलन जब मफूल हो क्योंकि ये मफ़ाइल तो नहीं आ सकता ना ये जमीर मफूल ही होगी मगर लिमजदरिन एक मजदर की फाइली जो अपने फाइल की तरफ मुजाफ हो चूंकि फेल अपने फाइल की तरफ मुजाफ नहीं होता अब फेल के बदले इसने लाया है ये सॉरी का हैजदर मगर उस मजदर को अपने अपने फाइल की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल किया है तो उस वक़्त भी आप क्या लाएंगे मफूल ये ये जमीर जो है मुनफसल लाएंगे जैसे जियारतुलदीरे इसने नहीं कहाारदीरो इसने जारा का मजदर लायातुलमीर मुदीर की जियारत इयाना हमको अल्योमा आज यानी कहना चाहता है प्रिंसिपल आ ये प्रिंसिपल आज हमारी हमें मिलने आएंगे हमें देखने आएंगे हम कहेंगे अगर ऐसे कहता तो क्या था यजूर अल्मीरु यजूर ना अल अलमुदीरो आज हमको हम मिलने आएगा या हमारी जियारत के लिए आएगा ठीक है ना तो उस सूरत में हम क्या करते हैं और अलमुदीर फायल ठीक है अल मजारफ मसल लेकिन जब इसने फेल के बदले फेल का मजदर इस्तेमाल किया और उस मजदर को फाइल की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसके बाद जरूरी है कि आप जो मफूल भी लाएंगे उसको आप जमीर सूरत में लाएंगे जियारतुलदीर ई आना मुदीर की जियारत हम आए यानी मुदीर का हमारे पास आना हमसे मिलने आना आज इसके बारे में आप आगे बताएंगे कि क्या करना है फिर वगैरह वगैरह दूसरी मिसाल इसमें यहाँ पे है मिसाल आप कहते हैं ज़रबो का ज़रबो का ई आया का मुझे मारना ज़रबो का ई आया का मुझे मारना अशद ज्यादा सख्त है मीन जरबी ईया का मेरे मारने से आपको यहां देखिए जरबा जरबा जो है फैला गया लेकिन फैल के बदले इसने क्या किया इसने फैल का मज़दर इस्तेमाल कर दिया जर्बन यहां भी और यहां भी दोनों जगह और फिर उस फैल मजदर को फाइल की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल कर दिया जारबु का जारबुका का मारना तो उसके बाद जो आप मफूल भी लाएंगे तो वो जमीर मुनफसल की सूरत में ही आप लाएंगी जारबुका आप समझ रहे हैं ना जी सर जी 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 पहला पॉइंट हाँ पहला पॉइंट था कि अगर ये अगर जमीर जो है मफूल भी हो और फेल से पहले आ जाए तो हम मुनफसल सूरत में उसको लाएंगे दूसरा पॉइंट अब अगर मफूल भी हो मगर एक ऐसे मजदर का जो अपने फाइल की तरफ मुजाफ करके लिखा गया हो तो उस वक्त भी आप इस जमीर को क्या लाएंगे इस जमीर को लाएंगे मनसूब मुनफसिल यानी मनसूब तो है ही तो आप उसको मुनफसिल लाएंगे शबाश तो तीसरा पॉइंट देखे भाई इसी का इजावा काफिल अतफ अगर हरफ अतफ के बाद वाका हो जाए हरफ अतफ के बाद आ जाए जैसे मैं आपको राई तो का वह हो मैंने आपको देखा और उसको भी देखा वर्फ अतफ व ईया हो और उसको भी देखा ठीक है हाँ और ये हो जाएगा इन्नी इन्नी बेशक में व इया का और आप भी नाज़िहानी कामयाब है इन्नी व इया का ना जी हाँ हाँ ना जहानी कामयाब है हम दोनों मैं भी और आप भी कामयाब तो इजावा का बाद हर फिल आतफे नंबर चार इजावा का बाद इल्ला अगर इल्ला के बाद आ जाए ना हो जैसे मा साल तो इल्ला इया का मैंने नहीं पूछा सिवाय आपसे सिवाय आपसे मा साल तो इल्ला इया का मैंने नहीं पूछा सिवाय ने मैंने तो आप ही से पूछा लाना अबूदो इल्ला हो लाना अबूदो इल्ला हो हमने इबादत नहीं की सिवाय उसकी सिवाय उसकी यानी एक ऐसा जुमला फैलिया जिसमें हम फेल प्लस फाइल प्लस मफूल भी लाते हैं लेकिन एक ऐसे पैटर्न पर लाते हैं एक ऐसे उसलूब में लाते हैं जिसमें माँ भी इस्तेमाल हो रहा है इल्ला भी इस्तेमाल हो रहा है यानी यानी हरफे इसमें नफी नाफी भी इस्तेमाल होता है माँ नाफिया या ला नाफिया तो इसके बाद इल्ला आता है तो उस सूरत में हम सिर्फ एक जमीर मुतसिल नहीं ला सकते थे हम नहीं कह सकते थे मा साल तो इल्ला का या ला नाबुद इल्ला हु। मा साल तो का लाना अब ये चौथी कस्म थी पांचवी कस्म जो लास्ट है इजावा का बाद जमीर अगर जमीर नस्ब मुतसिल के बाद आ जाए अगर जमीर नसब मुतसिल के बाद आ जाए इसकी मिसाल आपने वहां हिवार में आपने पढ़ी जैसे आई नजल्लमदीर प्रिंसिपल का मैगजीन कहाँ है मजलतुलमदी सवाल है जवाब में कोई कहता है आताई तो हू आताई तो हू इया आताई तो मैंने दिया हु उसको यानी प्रिंसिपल को इया हा उस ये चीज यानी मज़ल्ला वो तो मैंने उसको दे दिया या हा वो तो मैंने उसको दिया वो मैंने उसको दिया तो चूंकि यहाँ तो फैल है फिर आ गया हु नसब मुत्तसिल आ गया जमीर नसब मुत्तसिल के बाद एक और जमीर लानी थी तो ये हमें हमने जरूरी जमीर मुनफसिल हमने हमको यानी हमको लानी पड़ी ठीक है लेकिन यहां पे एक मसला आता है यहां एक मसला आता है इजा काना अगर ये जमीरें जो ये ये प्लस अगर मिन रुतबत इन वाहिदा एक ही रुतबे के हों एक ही रुतबे के रुतबा मतलब एक ही रुतबा रुतबा मतलब पर्सन अगर वो भी थर्ड पर्सन है ये भी थर्ड पर्सन अगर वो भी सेकंड पर्सन है ये भी सेकंड अगर वो भी फर्स्ट पर्सन है ये भी फर्स्ट पर्सन फिर क्या है तो फसल करना जरूरी है लेकिन दूसरी जमीर को अलग लिखना पड़े तो ये वाजिब है फिल मिसाल साबिक जैसे ऊपर की मिसाल में है लेकिन एक, फिर रुत अगर रुतबे में अलग अलग हो अगर रुतबे में अलग अलग हो जैसे हु थर्ड पर्सन है हा भी तो ये भी थर्ड पर्सन है अगर ये फॉर एग्जाम्पल था और ये यहां पे सेकंड पर्सन होता तो इनके दरमियान इखला था ना में वल तो फिर दोनों जायज है आप मिलाकर भी लिखेंगे और अलग भी लिखेंगे जैसे आई किताबी मेरी किताब कहां है आप कहते हैं जवाब में तो का हू तई तू का हु का भी आ गया और हु आ गया क्योंकि रुतबे में ये दो जमीरें अलग अलग हैं तो अब इसको मिलाकर लिखिए भाई या का लिखने की जरूरत नहीं लेकिन ये भी जायज है आप कहेंगे आताई तू का तो दोनों जायज है दोनों जायज रुतबे में एक ही हो दोनों थर्ड पर्सन जमीरें हैं या सेकंड पर्सन तो वजब अल फसल तो फसल करना वाजिब है भाई इट इज मैंडेटरी इट इज इट इज नेसेसरी लेकिन अगर रुतबे में वो अलग अलग हो यानी कंफ्यूजन नहीं हो सकता मैंने वो आफ को दे दी यानी किताब कहा है मैंने वो आफ को दे दी उर्दू में हम कहते हैं अच्छा वो प्रिंसिपल की किताब कहा है आप कहते हैं मैंने वो यानी वो किताब उसको दे दी या आप अदब से कहते हैं उनको दे दी मैंने वो किताब उनको दे, दे ठीक है ना तो लेकिन अरबी में यह है कि भाई अगर रुतबे में वाहिद है या जमीर है तो आपको फसल करना वाजिब है अगर रुतबे में अलग अलग है तो फिर आप उर्दू की तरह कोई मसला नहीं आप इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं आप क्या था अजमायर सलासुरुतबिन जमायर के तीन रुतबे हैं यानी तीन किस्म के आते हैं वही रुतबतुल गायब यानी गायब की जमीरें हुआ हुमा हुमंत रुतबतुल मुखातिब और इसकी जमीरें आती है अंत अंतुम अन्तुम। अंतुम और उत्पतुल मुतकलम और इसकी जमीर आते हैं अना नह ये हैं वो जमाइर के बारे में जो हमें मतलब डिस्कशन थी मेन डिस्कशन ये है वो चीज जिसको आज आपने ठीक तरीके से सीखा इसमें सिर्फ आपको जमाइर नसब अल मुनफसिल जो है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगु थोड़ा जो आपने नहीं पढ़ा था उसको आप एक बार फिर दो या तीन मिनट में आप उसको देखना देखेंगे तो इनशा आपके लिए आसान हो जाएगा अब जो डिस्कशन आ गई अब क्वेश्चन नंबर फोर को जरा इस तरह करने की कोशिश कीजिए हमारे पास सिर्फ दो, दो, दो मिनट है अलमाफूल यहाँ ना अब का जो है मफूल भी है इसको पहले लाइए लाइये अलफैल इसको मुकदम लाइए फैल फीक जुमला मायाती हर जुमले में आने वाले जुमले में जैसे इसने देखा है ना अबूदो का نعم. <سؤال> تو کا بن گیا کیا ایا کا اس طرح نستعین کا کا ایا کا کا نہیں آئے گا شباش نستغفر کا إياك نستغفر نستغفر بہت اچھا رأيته إياه رأيته رأيته ما شاء الله إياه رأيته شباش फिर है नंबर पांच आ नाद नी या शबाश। पहले हमजा लिखेंगे हमजा तो इस्तेफाम है क्योंकि ये मुकदम होता है पिछले लेसन में आपने पढ़ा वैसे में नहीं था उसमें हम कहेंगे आ ना नी आ नाद या, ना या उत के सर मुझे बुलाया आपने दैत उत्सुआस समझ रहे हैं ना आप जी सर शाबाश फिर है अल मुदीर तो मुदीरा उसको ढूंढ रही है इया हा इया हा, इया हा, इया हा, उसी को प्रिंसिपल मैम ढूंढ रही है सा अलहुम अल मुदीर इम सा बहुत अच्छा इसी तरह है इल्ला लेकिन हमारे टाइम जो है बिल्कुल खत्म हो गया हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मुस्तान कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे खुदा वरक